हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी क्विकली मेरी नाइट टाइम हेयर केयर रूटीन, जिसे मैं फॉलो करती हूँ एंड मुझे ना काफी अच्छी रिजल्ट मिली है फॉर अ हेल्दी हेयर। आप भी अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हुए आपकी हेयर केयर करो रात को सोने से पहले, बस दो तीन चीजें हैं आपको करना है, तो आपकी हेयर फॉल गाइस काफी हद तक कम हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। आपकी स्कैल्प काफी हेल्दी रहेंगे, आपकी स्पिटेंस भी काफी हद तक कम हो जाएंगे एंड ओवरऑल आपकी हेयर काफी हेल्दी रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हेयर केयर करती हूँ मैं रात को सोने से पहले। सो गाइज, मेरी एवरीडे नाइट टाइम हेयर केयर रूटीन का फर्स्ट स्टेप है हेयर कॉम्बिंग। तो आप भी हेयर को अच्छी से कॉम्ब कर लीजिए रात को सोने से पहले। इसके बाद भी कुछ स्टेप्स है, बट सबसे पहले हेयर को अच्छी से डिटेंगल कर लीजिए। आप कोई भी पैडल ब्रश या फिर राउंडेड ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्प करता है हेयर को हेल्दी रखने में एंड हेयर फॉल को भी दूर करता है। मेरी सेकेंड जो स्टेप है गाइज, दैट इज नरिशिंग हेयर। तो हेयर नरिश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का आमंड हेयर ऑयल। नाउ इन डेज मैं इसे यूज कर रही हूँ गाइज, काफी हेल्प करता है हेयर को रिपेयर करने में। अगर आपकी हेयर वीक है, रफ है, स्पिटेंस की प्रॉब्लम है, स्कैल्प इचिंग की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर हेयर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपकी हेयर को रिपेयर करने में, हेल्दी बनाने में। ऑल्सो वाव की हर एक प्रोडक्ट में क्यूआर कोड दी जाती है, जिसे स्कैन करके आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो। और एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, दैट इज पंपिंग बॉटल हेयर ऑयल। अगर पंपिंग बॉटल हो तो बहुत ही इजी टू यूज होता है। तो हेयर को नरिश करने के लिए मैं बस एक या दो ड्रॉप ऑयल ले रही हूँ। जस्ट सीरम की तरह मैं हाथ पे फैला के पहले स्प्रिटेंस पे अप्लाई करूंगी, मतलब हेयर की एंड पे, एंड ऑल्सो पूरी हेयर पर इस तरह से अप्लाई कर दूंगी। ये जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ गाइज, आप एवरीडे बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। आपकी हेयर बिल्कुल भी ग्रीजी या फिर ऑयली नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑयल है नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है, बिल्कुल भी आपकी हेयर को स्टिकी या फिर ऑयली नहीं बनाती है। इसमें आपको आमंड, स्वीट आमंड ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड लेमन एसेंशियल ऑयल की मिलेगी, जो हेयर को बहुत अच्छी से नरिश करती है, रिपेयर भी करती है। इसके बाद अगेन मैं दो ड्रॉप लेके ना स्कैल्प को मसाज कर रही हूँ। ये भी आप एवरीडे बेसिस पे कर सकते हो, आपकी हेयर बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी गाइस। तो मैं बस फिंगर टिप पे ऑयल को लेके फ्रंट एरिया पे एंड ऑल्सो पीछे से भी इस तरह से, मतलब पूरी स्कैल्प को आपको अच्छी से मसाज करना है। आप मसाजिंग 10 मिनट तक अच्छी से कीजिए, ये बहुत ही हेल्प करता है गाइस आपकी हेयर को हेल्दी रखने में, हेयर फॉल को दूर करने में। तो इस तरह से मसाज करने के बाद आप अगेन हेयर को अच्छी से कॉम कर लीजिए एंड ये आप एवरीडे बेसिस पर फॉलो कर सकते हो। आपकी हेयर बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको हेयर वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो स्टेप है गाइस, दैट इज डीप हेयर ऑयलिंग। ये आप एवरीडे नहीं, हफ्ते में दो बार कर सकते हैं। तो डीप हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यहाँ पर पंप करके ना हेयर को सेक्शन बना के हर एक सेक्शन में हेयर लगा रही हूँ 3-4 ड्रॉप एंड उसे अच्छी से मसाज भी कर रही हूँ। तो इस तरह से आप पूरी हेयर पर अप्लाई कर लीजिए आगे पीछे एंड अगेन हेयर को 10 से 15 मिनट तक हल्की हाथों से, फिंगर टिप से जेंटली मसाज कीजिए। मसाजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी पूरी स्कैल्प पर ऑयल पहुंचेगी एंड ऑयल एब्जॉर्ब भी होगी, आपकी हेयर को हेल्दी भी बनाएगी। ये ऑयल गाइज हेयर फॉल को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें कोई भी आपको मिनरल ऑयल, सिलिकन या फिर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगी। पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है एंड ऑल्सो ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। इस तरह से नॉट ओनली आपकी स्कैल्प, आपकी हेयर लेंथ पर भी इसे अप्लाई करना है एंड इस तरह से मसाज भी करना है। मसाज करने के बाद हेयर को अच्छी से कॉम कर लीजिए एंड इसे आपकी हेयर पर पूरी रात रखना है ओवरनाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग आप आपकी रेगुलर शैम्पू से हेयर को वॉश कर सकते हैं। ये डीप हेयर ऑयलिंग आपको हफ्ते में दो बार फॉलो करना है एंड जो मैंने इससे पहले स्टेप दिखाया उस तरह से आपको एवरीडे फॉलो करना है। इसके बाद लास्ट जो स्टेप है, दैट इज हेयर टाइंग। आप अच्छी से हेयर पर एक ब्रेड बना लीजिए एक या दो, उसके बाद आप सोने जा सकते हैं। हेयर टाई करके सोने से गाइज आपकी हेयर फॉल कम होगी एंड आपकी हेयर ओवरऑल हेल्दी भी रहेंगे। सो ये टिप भी मत भूलना। सो गाइज, यही कुछ टिप्स मैं फॉलो करती हूँ रात को सोने से पहले एंड बिलीव मी गाइज, मुझे बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिली है। अगर आप भी चाहते हो आपकी हेयर फॉल कम हो जाए, आपकी हेयर हेल्दी रहे, आपकी स्प्रेटन्स की प्रॉब्लम कम हो जाए, तो आप इस तरह से आपकी हेयर केयर कर सकते हो एवरीडे रात को सोने से पहले। एंड ऑल्सो जो हेयर ऑयल मैंने आपको बताया वाव का, ये आमंड हेयर ऑयल, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, इसके बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।